दोस्तों ये है OnePlus Nord 3 और इसका प्राइस है 34,000 रुपीज। प्राइस के हिसाब से फोन बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल है, बट बैक साइड से देखने पर बिल्कुल Nord CE 3 Lite की तरह नजर आता है। दोनों के प्राइस में अगर देखें तो काफी बड़ा डिफरेंस है, बट देखने में ऑलमोस्ट दोनों सेम है। दोस्तों अगर आप इस फोन को परचेस करना चाहते हैं तो प्राइस के हिसाब से मुझे इस फोन में एक कमी भी नजर आई है, जिन्हें आपको भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं काम की बातें। बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो इसमें आपको जरूरत का सारा सामान मिल जाता है, जैसे कि ये बैक कवर, और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, ट्रांसपेरेंट से बढ़िया क्योंकि वो बहुत जल्दी पीला पड़ने लगता है। डॉक्यूमेंटेशन, फोन, टाइप सी डेटा केबल और साथ ही में 80 वॉट चार्जर। दोस्तों इसके लुक्स और डिजाइन की बात करूं तो ये देखने में काफी हद तक Nord CE 3 Lite से मिलता जुलता है, बट इसमें हेडफोन जैक नहीं है, अलर्ट स्लाइडर दिया गया है। इसके साइड का फ्रेम फ्लैट है और इसके बैक साइड में ग्लास का यूज किया गया है। इसमें आपको बाकी सभी तरीके के पोर्ट्स और बटन मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले में दिया गया है। लुक्स और इनहैंड फील इसका काफी जबरदस्त है और ये देखने में बिल्कुल प्रीमियम फोन की फील देता है। दोस्तों आप इसके डिजाइन के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको 6.74 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। इसमें आपको एचडीआर 10 प्लस का भी सपोर्ट मिलता है और ये डिस्प्ले 10 बिट टाइप है, जिसकी वजह से कलर क्वालिटी और सैचुरेशन वगैरह काफी अच्छी तरीके से बैलेंस है। इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 1450 निट्स की है, इंडोर में तो ये काफी ब्राइट है, यहां तक कि आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके साइड के बेजल्स और चिन का साइज बिल्कुल ना के बराबर है, इनफैक्ट पंच होल का भी साइज बहुत ही छोटा है। कंटेंट कंज्यूमिंग के लिए काफी अच्छी डिस्प्ले है, इनफैक्ट एचडीआर वीडियो प्लेबैक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों इस फोन का जो सबसे मेन पार्ट है वो इसकी परफॉर्मेंस, और अगर प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें Dimensity 9000 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 4nmp बेस्ड है। ये वही प्रोसेसर है जो भी हाल ही में OnePlus Pad में यूज किया गया था। इसका जो स्कोर भी मैंने चेक किया ऑलमोस्ट 1 मिलियन के आसपास में है, और ये सच में काफी पावरफुल प्रोसेसर है। इसमें आपको LPDDR5X RAM और UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है। इसमें आप डेली के टास्क बड़े ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन हैवी गेमिंग जैसे BGMI वगैरह हाई सेटिंग पे खेल सकते हैं। बट एक बात ये आप ध्यान में रखिएगा, ये प्रॉपर गेमिंग फोन नहीं है। इसमें Android 13 और साथ ही में ऑक्सीजन OS 13.1 मिलता है, और इसमें आपको 3 साल का Android अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा। तो इसमें आपको एक पहले से ही ऑप्शन मिलता है इनहेंस इंटेलिजेंट सर्विस का। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके पर्सनल डाटा के साथ छेड़छाड़ करता है, और ये पहले से ही इनेबल होकर आता है। डिसेबल करने के लिए सिंपली आपको सेटिंग में जाना है, और फिर एडवांस सेटिंग, और फिर सर्विसेज में जाके इसे डिसेबल कर देना है। दोस्तों इसके बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है विद OIS, और इसमें सोनी का सेंसर यूज किया गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, और इसके कैमरे की क्वालिटी काफी जबरदस्त है। डिटेल डायनेमिक रेंज वगैरह ये काफी अच्छी तरीके से बैलेंस करता है, और इसकी पिक्चर की क्वालिटी काफी शार्प और क्लियर है। ये कुछ इसी फोन के कैमरा सैंपल है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और कमेंट करके बताइए कि इसकी कैमरे क्वालिटी आपको कैसी लगी। दोस्तों इसके बैक कैमरे से आप 4K 60fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और फ्रंट कैमरे से 1080p क्वालिटी ही मिलती है। वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, डिटेल कलर वगैरह काफी अच्छी तरीके से बैलेंस करता है। दोस्तों इसमें 5000mAh की बैटरी मिलती है, जो कि पूरा ही दिन बड़े ही आराम से चल जाती है, और 80W फास्ट चार्जर से लगभग आधे घंटे में 0-100 फुल चार्ज हो जाती है। इसमें आपको सभी तरीके के सेंसर्स भी मिल जाते हैं, और ये फोन 5G को सपोर्ट करता है। दोस्तों इस फोन के बारे में अगर मैं अपने ओपिनियन आपसे शेयर करूं तो इसका डिस्प्ले, प्रोसेसर, बैटरी सब कुछ बहुत ही जबरदस्त है, बट इसके कैमरे में मुझे एक छोटी सी कमी नजर आई है। प्राइस के हिसाब से मुझे इसका अल्ट्रा वाइड सेंसर कुछ उतना खास नहीं लगा। 8 मेगापिक्सल की जगह अगर 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होता तो काफी अच्छा किया जा सकता था। वैसे तो प्राइस के हिसाब से आप इस फोन के बारे में क्या सोचते हैं हमें भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही मजेदार सिंपल तरीके से टेक की वीडियोस पाने के लिए।